नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स लेक्चर सीरीज़ में बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल डिस्कस किया था, तो उसमें दोस्तों एक इंट्रेंसिक था और दूसरा एक्सट्रेंसिक था। इंट्रेंसिक वहाँ इन डिटेल हमने डिस्कस किया, तो अब दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को आप डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कह सकते हो। बेसिकली ये आपके दो टाइप्स के होते हैं। इनकी जो टाइप्स है वो भी आपकी इम्प्योर एटम्स पे ही डिपेंड करती है। तो पहली जो टाइप है दोस्तों, उसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और जो दूसरी टाइप है दोस्तों, वो उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। आपको बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स पे फोकस करेंगे, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर्स में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करा देते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ वो होती हैं दोस्तों, जिस भी सब्सटेंस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 5 नंबर्स हैं, तो उन सभी मटेरियल या सब्सटेंसेस को हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कहेंगे। यानी ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों, उनको हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स कहेंगे। वो दोस्तों आपका एक हो गया आर्सेनिक, दूसरा हो गया आपका फॉस्फोरस। तो दोस्तों, अब आर्सेनिक और फॉस्फोरस वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं जिसको हम एक प्योर सेमीकंडक्टर्स में ऐड करा के ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ आप नज़र रखिए कि हम पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए दोस्तों, ये आपका कोई भी एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ये दोस्तों सिलिकॉन भी हो सकता है और आपका जर्मेनियम भी हो सकता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में जब भी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को यहाँ ऐड करेंगे, तो मान लीजिए एक यूनिट सेल कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका इम्प्योर एटम है जिसके आपके 5 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब भी दोस्तों हम इसको ऐड करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो ये हमारा साइड के जो प्योर सेमीकंडक्टर हैं उससे सराउंडेड होगा, और वो आपके सेमीकंडक्टर्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर बनाएंगे, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जब भी दोस्तों आपका इम्प्योर एटम प्योर एटम्स में ऐड करेंगे, तो इम्प्योर एटम्स के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, वो साइड के जो नेबर प्योर एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इस वजह से दोस्तों ये क्या चाहेगा कि कोई भी इम्प्योर एटम आपके इस 5th इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहेगा। यानी अगर इस एटम से ये 5th इलेक्ट्रॉन चला जाए और उसके बाद बाकी के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर्स के साथ कोवलेंट बना लें, तो ये एटम दोस्तों स्टेबल हो जाएगा, और हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबिलिटी को अचीव करें। तो ये है इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि इसका बैंड एनर्जी डायग्राम क्या कहता है। ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का एनर्जी बैंड डायग्राम है, जिसमें ये आपका वैलेंस बैंड है। ई एफ दोस्तों आपकी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो डिपेंड करता है कि आपका प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा था। अगर आप सिलिकॉन रखना चाहते हैं तो सिलिकॉन के केस में दोस्तों 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होगा, और अगर आप जर्मेनियम में ऐड करना चाहते हैं इम्प्योर एटम्स, तो जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो इम्प्योर एटम्स है उसको दोस्तों हम इस लेवल से डिस्क्राइब करते हैं। यानी ये आपका कंडक्शन बैंड है, और कंडक्शन बैंड में जो सबसे मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों ईसी, क्योंकि कंडक्शन बैंड में ये ईसी है, और इससे ऊपर जितना भी हम जाएंगे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो अगर आपका जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है और उस जर्मेनियम में आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड कराते हो, तो उस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ का जो एनर्जी लेवल होगा दोस्तों,
वो आपका कंडक्शन बैंड से 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे स्टे करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है तो उसमें जो आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड आपने किया उसका जो एनर्जी लेवल होगा वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंडक्शन बैंड से नीचे होगा। यानी दोस्तों ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि आपने सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया, और इस लाइन का मतलब यही है कि ये लाइन आपकी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ का एनर्जी लेवल डिस्क्राइब करेगी। तो आई होप दोस्तों एनर्जी बैंड डायग्राम्स अपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब दोस्तों आगे एक्सप्लेन करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड होने के बाद हम एक केस स्टडी करेंगे कि अगर हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन है, इस टेम्परेचर को दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, तो इस केस में क्या होगा। दोस्तों मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलिकॉन प्योर आपका एटम्स कंसिडर करूँगा और सिलिकॉन में ही हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करने वाले हैं, तो इस केस में 0 केल्विन पे जो आपका कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी होगा और जो वैलेंस बैंड है दोस्तों वो कम्प्लीटली आपका फिल्ड होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएगा। इसका मतलब ये जो आपका सेमीकंडक्टर है 0 केल्विन पे वो बिल्कुल एक तरीके से इंसुलेटर की तरह बिहेव करे, राइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा। दोस्तों जो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा तो आप पहले इस लेवल को इन डिटेल एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ये जो लेवल है दोस्तों ईडी, ये आपका डोनर एनर्जी लेवल है। डोनर इसको क्यों कहते हैं वो मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप ये समझो कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं उनका एनर्जी लेवल ये है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं उसका अगर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहाँ आपको समझाया था कि जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चाहता है कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स इसका यहाँ से फ्री हो जाए ताकि ये दूसरों के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल रख सके। तो जितने भी आपके पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स हुए हैं इसका मतलब उतने सारे एटम्स अपना फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रखेंगे और वो चाहेंगे कि वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स इनका इस स्टेट से आपका कंडक्शन बैंड में चला जाए ताकि वो जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन सके और बाकी के पेंटावेलेंट एटम्स आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो सके। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इनक्रीज करेंगे दोस्तों तो ये जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है इसको एक एक्साइटेशन एनर्जी मिलेगी। अब वो एक्साइटेशन एनर्जी मिलने के बाद जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है वो दोस्तों इस डोनर एनर्जी लेवल से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। यहाँ देखो दोस्तों जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन आपका कैसा इलेक्ट्रॉन बनेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही आपका कंडक्शन में इंक्लूड रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इनक्रीज करोगे, अभी टेम्परेचर इतना इंक्रीज नहीं किया है आपने कि वो आपका वैलेंस बैंड के ऑलरेडी कोवलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक कर सके, इतना टेम्परेचर अभी राइज नहीं किया है आपको। सिर्फ टेम्परेचर इतना राइज करना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल सके। यानी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की अगर एनर्जी फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पेंटावेलेंट एटम्स को मिल गई तो वो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्शन बैंड में जाने के बाद वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और जैसे ही वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमारी कंडक्शन में बहुत हेल्प करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमने उन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स को दी है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका गैप है फॉरबिडन एनर्जी गैप, सिलिकॉन अगर आपने लिया है तो इसकी वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वैलेंस बैंड में अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड है तो उस कोवलेंट बॉन्ड को एटलीस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए तभी वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और उसके ब्रेक होने से एक इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में जंप करेगा और एक यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा।
तो इसका मतलब इस एनर्जी बेंड डायग्राम से क्लियर है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से पहले ऐसे बहुत सारे इम्प्योर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो जस्ट 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को लेके कंडक्शन बैंड में जंप कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज में आपकी जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे? आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स दोस्तों अनडाउटेडली इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे दोस्तों वो आपके होल्स होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इम्प्योरिटी इम्प्योरिटी रेशियो की। मान लीजिए अगर कोई ये कहता है 1:10^6 ये किसी का इम्प्योरिटी रेशियो है, तो इसको कैसे स्टडी किया जाए? इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके प्योर एटम्स थे, सिलिकॉन एटम्स हमने कंसिडर किया, तो वो 10^6 नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स हैं। इतने सारे एटम्स में हमने सिर्फ एक इम्प्योर एटम्स को ऐड कराया है, राइट? तो अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ इम्प्योर एटम्स कितने हैं जो किसी भी एक प्योर सेमीकंडक्टर्स में हमने ऐड किए हैं, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों? 1/10^6, या इसको कह सकते हैं आपकी इम्प्योरिटी रेशियो मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ प्योर एटम्स। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ कितनी ऐड हुई हैं। और आपको पता है कि हर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहेगी, और बस उसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है उसको वहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप कराने की कोशिश करेगी। यानी हर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ का एक जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका कंडक्शन बैंड में अप्रोच करेगा, और उसी की वजह से जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी राइज हो जाएगी। तो जो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ डोनर एनर्जी लेवल, इसका मतलब क्या है दोस्तों? डोनर का मतलब है कि उस एटम्स के बारे में बात करना चाहते हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है। तो जो दोस्तों जो आपका पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको डोनेट करना चाहता है, और ये डोनेट आपका डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड्स में देना चाहता है। इसीलिए दोस्तों पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को हम डोनर इम्प्योरिटी एटम्स भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए एन नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टोटल ब्रेक हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से पहले सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उन इम्प्योर फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स को मिली और वो कंडक्शन बैंड में चला गया। यानी कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एटलीस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, बट इस एनर्जी से पहले ये एनर्जी ऑलरेडी आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ले चुका था, जिसकी वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन चुका था। इसका मतलब जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि उससे पहले लार्ज नंबर ऑफ फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन चुके होंगे। फिर भी दोस्तों जितने भी कोवलेंट बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे अब उतने नंबर ऑफ होल्स आपके वैलेंस बैंड में जनरेट होंगे, और उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में जंप कर चुके होंगे। तो ओवरऑल कंडक्शन बैंड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दोस्तों? तो वो कितने होंगे? जितना आपका डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं प्लस जितने आपके होल्स वैलेंस बैंड्स में जनरेट हुए हैं, क्योंकि जितने वैलेंस बैंड में होल जनरेट होंगे दोस्तों उतने ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, तो वो सब इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्लस दोस्तों इम्प्योरिटी एटम्स के जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके डायरेक्ट कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि कंडक्शन बैंड में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।